लेसन लेसन फोर। फोर। पाठ के का नाम है? माइस। माइस माइस यानी क्या होते? चूहा। रेड मतलब भी चूहा होते और माउस मतलब भी चूहा होते। क्लिप लगा सुना अच्छी। आई आई थिंक थिंक माइस। माइस आई मतलब क्या होते? मैं। थिंक मतलब, थिंक मतलब लगना, ठीक है। और माइस यानी चूहा। मुझे मुझे चूहा लगता है। चूहा लगता है। चूहा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक माइस मतलब क्या हुई? मुझे चूहा लगता है। आर आर रेडर रेडर नाइस, नाइस बल्कि बल्कि अच्छे हैं। अच्छे हैं। देयर देयर टेल्स टेल्स आर आर लॉन्ग, लॉन्ग उनकी पूछ लंबी है, ठीक है। देयर देयर फेस फेस स्मॉल, स्मॉल उनके चेहरे छोटे हैं। उनके चेहरे छोटे हैं। दे हैव नॉट एनी, एनी उनके पास कोई नहीं है। कोई नहीं है। जींस जींस एट एट ऑल आर बिल्कुल बिल्कुल चिन्ह चिन बिल्कुल अकेली है, चिन्ह है, ठीक है। देयर ईयर ईयर आर आर पिंक, पिंक उनके उनके जो कान है गुलाबी है, जो कान है वो गुलाबी है। उनके कान गुलाबी है, ठीक है। देयर देयर टीथ टीथ आर आर वाइट, वाइट उनके दांत सफेद है। उनके दांत सफेद हैं। काखर दांत है चूहा के, ठीक है। दे दे रन रन अबाउट, अबाउट वे दौड़ते हैं। वे दौड़ते हैं। द हाउस हाउस एट एट नाइट 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 कहाँ दौड़ते? रात में घर में दौड़ते, ठीक है। दे दे निबल निबल थिंग्स थिंग्स थिंग थिंग्स क्या करते? जो खाना रखते तेला निगले काम करते लीले के, ठीक है। दे दे शुड नॉट टच टच उन्हें छूना नहीं चाहिए। उन्हें छूना नहीं चाहिए। एंड एंड नो नो वन वन सिम्स सिम्स और कोई नहीं लगता, कोई नहीं लगता कोई नहीं लगता है, ठीक है। टू टू लाइक लाइक देम देम मच मच उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें बहुत पसंद है। बट आई आई थिंक थिंक माइस माइस लेकिन लेकिन मुझे मुझे चूहा चूहा लगता है। लगता है। क्या लगता है? मुझे चूहा लगता है। आई थिंक माइस, ठीक है। आर आर नाइस नाइस आर नाइस मतलब आर नाइस मतलब क्या हुई? अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक है। पाठ खत्म हो गए। अब आगे का दे है फिंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पोयम। कविता
कविता से शब्दों का विपरीत शब्द खोजना है। ठीक है, अब जो शॉर्ट दे है, शॉर्ट शॉर्ट यानी होते छोटा, तो छोटा उल्टा का हुई, का हुई बड़ा, बड़ा का बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग। हाँ, अब का है ब्लैक, ब्लैक यानी काला, काला उल्टा का हुई, हाँ सफ़ेद, सफ़ेद का बोलते हैं इंग्लिश में वाइट। ठीक, एक बाद है डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंद, नापसंद के उल्टा का हुई पसंद। ठीक है, पसंद का बोलते हैं लाइक। अब एक बाद है बिग, बिग यानी बड़ा, और बड़े का उल्टा का हुई छोटा, छोटा का बोली स्मॉल। सेकंड नंबर है फिंड द पार्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए माइस दैट आर मेंशन इन द पोयम। अब जो कविता में चूहा जो शरीर के पार्ट दे है, कुछ हिस्सा का नाम दे है, वो लोग ढूंढना है और लिखना है रिक्त स्थान में। ठीक है, तो कौन कौन से भाग के नाम आ हैं, चूहा जो शरीर के कौन कौन से हिस्सा का नाम है, जैसे पूछ है ना, पूछ है नहीं, पूछ ला का बोलते टैल, और का है एक है कान, ईयर्स, ईयर्स मतलब कान। ठीक, और का है टीथ, टीथ यानी दांत, फेस है ना। चल ठीक है, हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द नेम ऑफ एनिमल। अब खाली स्थान में जानवर के नाम लिखना है, सामने में जो रिक्त स्थान दे है वो में नाम लिखना है, और ये कहाँ रहते ओखर बारे में जानकारी है। ठीक है, लिव ऑन ट्री, लिव ऑन ट्री, ट्रीस है ना, लिव मतलब होते रहना, ऑन मतलब पर, और ट्री यानी पेड़। पेड़ में कौन रही थे, पेड़ में कौन रहते, चिड़िया रहते, और कौन से जानवर रहते, बंदर भी रहते ना। हाँ, तो खाली स्थान में क्या ही, बर्ड लिव ऑन ट्रीस, ठीक है, या फिर मंकी लिव ऑन ट्रीस। अब नेक्स्ट है लिव इन कैनल, कैनल में कौन रहते हैं, डॉग, डॉग लिव इन कैनल। ठीक है, डॉग कैनल में रहता है, डॉग कैनल में रहता है। स्लीप स्लीप इन इन देयर देयर सेड सेड। कौन है अपन सेड में सोते, स्लीप यानी होते सोना, और सेड यानी रह के स्थान, जिला कोठा बोलते है ना। तो कहा कौन है रहते, गाय है, बकरी है, भेड़ है, तो का ही यहाँ काऊ, काऊ स्लीप इन देयर सेड, गाय सेड में सोती है। ठीक है, अब एक बात का है लिव इन द होल, बिल में कौन रही थे, हाँ चूहल का बोलते इंग्लिश में माइस या फिर माउस, माइस लिव इन द होल। ठीक है, होल लिव इन डेन, डेन गुफा में कौन रही थे, शेर, हाँ शेर लगा बोलते इंग्लिश में लायन। ठीक, अब एक बार छठवा है लिव इन स्टेबल, स्टेबल स्टेबल में कौन रहते, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। अब एक बार है चौथा नंबर, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट माइस आर टू टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस। अब जो सही शब्द है ओकर सामने में राइट के निशान लगाना है, चूहा के बारे में जो
कुछ दे है पाठ या पाठ में ओकर हिसाब से सही निशान लगाना है। ठीक है, पहला है माइस, बोल माइस हैव शॉर्ट टेल, चूहों की कूद छोटी होती है। हाँ राइट, ठीक है। माइस हैव ए बिग चिन, चूहों की दाढ़ी बड़ी होती है। हाँ ठीक है, राइट के निशान। माइस हैव पिंक ईयर्स, चूहा कान पीला गुलाबी होते ना। हाँ ठीक है, राइट के निशान। माइस रन अबाउट द हाउस एट नाइट, चूहा रात में घर में दौड़ती है। हाँ ठीक है फिर, राइट। माइस निब्बल एवरीथिंग दे फिन इन द हाउस, चूहा चीजों को कुतरता है जो उन्हें घर में मिलता है। कोई भी चीज ला कुतरते ना घर में रहते तेला, सही है ना। ठीक है, राइट के निशान। एवरीवन लाइक माइस, माइस एवरीवन मतलब क्या होते, हर कोई। ठीक है, लाइक यानी पसंद और माइस यानी चूहा, हर कोई चूहों को पसंद करता है। हाँ तो का ही गलत, गलत के निशान, गलत बोले तो फॉल्स और सही बोले तो ट्रू। अब पांचवा है वराइट राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग शब्द लिखे, एक समान शब्द लिखना है। जैसे माइस है नाइस, राइस प्राइज, माइस मतलब होते चूहा, नाइस यानी अच्छा, राइस यानी चावल और प्राइज यानी मूल। वैसे ही इस्तेमाल के बाद लिखना है सेम शब्द जो मेल खाया। ठीक, इस्माल मतलब छोटा, टॉल यानी लंबा, डॉल यानी गुड़िया, कॉल यानी बुलाना, वाइट यानी सफ़ेद, काट यानी पतंग, हाइट यानी ऊंचा, बाइट यानी टुकड़ा, टच यानी छूना। ठीक है, मच यानी बहुत, सच यानी ऐसा और वॉच यानी घड़ी, माउस यानी चूहा और स्पाउस यानी पति पत्नी। ठीक, हाउस यानी घर और काउस यानी कारण। अब छठवा है, छठवा में है ये जो फोटो दे है चूहा के, एक हर जो चूहा के जो कान है, आँख है, पूछ है, उखर नाम देना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। जैसे ये जो कान है उखर का नाम रही पिंक ईयर्स। ठीक है, पूछ लगा बोलते हैं इंग्लिश में टेल, ये गाल लगा बोलते चिक्स या फिर फेस बोल सकते हैं। ठीक है, फेस इस प्रकार से लिखना है इंग्लिश में, नाम हो गया। चल ठीक,